बहुत साधारण और बहुत छोटा। फिल्मी दुनिया वालों ने एक गीत गाया कि कोई सजा दे कोई सितम कर, सितम कर फिर ना मुझसे ऐसे निगाहें, मेरे महबूब तुझको है मेरी कसम, ना कभी भी कहीं भी जुदा होंगे हम, ना कभी भी कहीं भी जुदा होंगे हम, पे निखार आ जाए। क्या बात है। गोरे तन पे निखार आ जाए तो तू जो हंस दे के तू जो हंस दे बाहर आ जाए, मेरे दिल को करार आ जी। गीत को सुनिएगा, फिल्मी गीत कह रहा है कि मेरे दिल को करार आ जाए। मैंने बिल्कुल मिलाने का प्रयास किया है, पहले सवाल के प्रसंगों को समझ लीजिए। के शक्ति लगी लखन को व्याकुल राम हो गए, शक्ति लगी भगवान श्री राम की आंखों में आंसू आ गए के शक्ति लगी लखन को व्याकुल राम हो गए, और चिंता में चिंता मग्न वो सुख धाम हो गए, तो माता सुमित्रा को क्या जाके मुंह दिखाऊंगा। भगवान श्री राम सोच रहे मेरे भैया लक्ष्मण को ये शक्ति लगी है, तो माता सुमित्रा को क्या जाके मुंह दिखाऊंगा, और कैसे बिना लक्ष्मण के मैं अयोध्या जाऊंगा, तो लक्ष्मण का सिर रख गोद में विलाप कर रहे भगवान श्री राम, लक्ष्मण का सिर रख गोद में विलाप कर रहे, और भाई की दशा देख पश्चाताप कर रहे, भाई की दशा देख पश्चाताप कर रहे, भाई की दशा देख पश्चाताप कर रहे। अपने भैया को कष्ट में देखकर भगवान राम रो रहे हैं, और तब तक देखिए होता क्या है। समाज संकट में संकट मोचन जब याद किया प्रभु ने, तो के जब याद किया प्रभु ने बन गुमान आ गए, और संकट में संकट मोचन वो हनुमान आ गए, संकट में संकट मोचन हनुमान आ गए। और देखिए हुआ क्या, हुआ क्या के संजीवनी लेने को कपि महान चल पड़े, लक्ष्मण को ठीक होना है और संजीवनी बूटी लाने वाला कोई चाहिए, संजीवनी लेने को कपि महान चल पड़े, तो भाई लखन को वो बचाने प्राण चल पड़े, तो आदेश मान रघुवर का बूटी को धाए हैं, आदेश मान रघुवर का बूटी को धाए हैं, और लेने सजीवन द्रोणागिरि पर्वत पर आए हैं।
बहुत जल्दी मैं गीत को बढ़ा रही हूँ। हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी लेने पहुंचे, लेकिन के माया वो काल नेम की वो जान ना पाए, माया वो काल नेम की वो जान ना पाए, तो संजीवनी बूटी वो कभी पहचान ना पाए। शब्द यही आया कि पहचान वही सकता है जो अपनी माँ का दूध है पाया। संजीवनी बूटी वही पहचान सकता है जिसने अपनी माँ का दूध पिया। वह हनुमान विचार कर रहे हैं, लेकिन जरा देखिए अंजनी के दूध की ताकत कैसी है। कैसी के अंजनी माँ के स्तन द्वारा होने देंगे। प्रयास करना चाहिए, कलाकार को अपनी मेहनत में कमी नहीं करनी चाहिए। जबकि आप लोग सब जानते हैं इस समय हम लोगों की सहालत चल रही है, और कम से कम सातवां दिन है, ये सातवीं रात है, हम लोग लगातार चिल्ला रहे हैं, कहीं आराम करने की गुंजाइश नहीं, जो भी थोड़ा बहुत सो पाते हैं। फिर भी आप लोगों का स्नेह है जो कलाकारों में ताकत आ जाती है। अब देखिए हनुमान जी ने अपनी माँ को याद किया कि माता अंजनी ने मुझे तो दूध पिलाया नहीं, लेकिन माँ की कृपा हुई और वहीं से देखिए माता अंजनी की दूध की धार निकली। तो अंजनी माँ के स्तन द्वारा निकली तब वो दूध की धारा, शक्तिमान थी इतनी जितनी के शक्ति कोई भी ना धारा, इतनी शक्ति मिली। और देखिए उस दूध की धार से हुआ क्या, हुआ क्या के शक्ति से देह हनुमान की भर गई, शक्ति से देह हनुमान की भर गई, और शिला पत्थर की बिल्कुल अलग कर गई। शिला पत्थर की बिल्कुल अलग कर गई। तो लिखना पड़ा, हनुमान जी भी सोच रहे हैं कि नजर फिर से एक बार आ जाए, नजर फिर से वही दूध की धार से पत्थर के दो टुकड़े हो गए, नजर फिर से एक बार आ जाए, क्या दूध की ऐसी धार आ जाए। और कैसी धार,
के पत्थरों में उस दूध की धार से पत्थरों में के पत्थरों में दरार आ जाए दूध की ऐसी धार आ पत्थरों में दरार हो रही दूध की धार से। लेकिन जरा देखिए भैया जेपी मंचला जी, मैंने दरार लाने का प्रयास किया है, दूसरी दरार देखिए। कांचे घट जो लखन लाल ने जैसे नहीं ब्रह्मांड को फोड़ा। लक्ष्मण ने कहा कि अगर मेरे भैया की आज्ञा हो जाए तो ये धनुष तो धनुष, मैं धरती को कच्चे घट की समान तोड़ फोड़ कर बराबर कर दूं। कांचे घट जो लखन लाल ने के जैसे नहीं ब्रह्मांड को फोड़ा, लेकिन राजा रामचंद्र ने के जब भारी वो धनुहा तोड़ा, जब भारी वो धनुहा तोड़ा, जब भारी वो धनुहा तोड़ा। अब देखिए हुआ क्या, हुआ क्या, हनुमान जी ने अपना बल उधर दिखाया और इधर जिस धनुष को बड़े बड़े वीर नहीं तोड़ पा रहे थे उसको भगवान श्री राम ने बड़े आराम से तोड़ दिया। लेकिन जब तोड़ा तो धनुष की टंकार से एक काम हो रहा है कि जब जनक वासियों के हृदय खिल गए तो उधर लंका के परकोटे भी हिल गए। इधर राम का धनुष टूटा, उधर लंका के परकोटे हिलने लगे। लंका के परकोटे हिले और जो लंका की बड़ी बड़ी दीवारें हैं भैया जेपी जी, वहां भी लोग आपस में कह रहे हैं कि धनु की ऐसी टंकार आ जाए, ऐसी टंकार हो रही है, धनु की ऐसी टंकार आ जाए के कंचना में, कंचन भवन सोने के महलों में कंचना में दरार आ जाए तो दूध की ऐसी धारा अब तीसरी दरार कहाँ है? लोक लाज वश पति परमेश्वर ने सीता पर अपलोक लगाया, जानकी पर दोष लगा दिया प्रभु राम ने, क्योंकि उधर धोबी ने ताना दिया है कि मैं वो धोबी नहीं, मैं वो राम नहीं जो इतने दिन बाद अपनी पत्नी सीता को उन्होंने रख लिया। ये सुनकर भगवान श्री राम को सीता का त्याग करना पड़ा तो आजीवन वनवास दे दिया तो अवधपुरी से उनको भगाया। सीता जी को निकाल दिया तो देर किंचित हुई ना जरा में गई और धरती माँ की धरोहर धरा में गई, धरती माँ की धरोहर धरा में गई, धरती माँ की धरोहर धरा में जा
जा रही है, वो जब सीता धरती में समा रही है तो करुण ऐसी पुकार आ जाए। सीता ने आवाज लगाई धरती माँ को, करुण ऐसी पुकार आ जाए तो धरती माँ में के धरती माँ में दरार आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद है तालियों के लिए। धरती माँ में दरार आ जाए।